गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम गुंजन चौहान। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम हिंदी के पार्ट 10 का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट, अब बातचीत करें मौखिक क। छोटा बालक अपने पिता के साथ क्या काम करता था? छुट्टी वाले दिन छोटा बालक अपने पिता के साथ जूते ठीक करने और पॉलिश करने का काम करता था। ख, बालक ने अपना काम कहाँ बैठकर शुरू किया? बालक ने अपना काम एक सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम शुरू किया। ग, बालक के दोस्त ने उसे क्या सलाह दी? बालक के दोस्त ने उसे दुकान किराए पर लेने की सलाह दी थी, क्योंकि उसकी वो दुकान, वो जो सड़क किनारे पेड़ के नीचे बैठता था, वो छोटा पड़ता था। वहाँ पे तो कई ग्राहक को उसे घर बेचना पड़ता था, इसलिए उसके दोस्त ने दुकान लेने की सलाह दी। इस बालक का क्या नाम था? यह जो बालक था इसका नाम थॉमस बाटा था। सेकेंड, इन प्रश्नों के उत्तर लिखे लिखित क। पिता की कौन सी सीख को बालक ने अपने जीवन में अपना लिया? पिता की ऐसी कौन सी सीख थी जिसको बालक ने अपने जीवन में अपना लिया था? बालक ने पिता की इस सीख को अपने जीवन में अपना लिया था कि जो भी काम करो ढंग से करो, अच्छा करो, पूरी लगन से करो। ठीक है, ये उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। ख, लड़के की माँ ने उसे क्या सलाह दी? लड़के की माँ ने उसे क्या सलाह दी थी? लड़के की माँ ने उसे नए जूते बनाने की सलाह दी, क्योंकि उसका काम अच्छा था, वो अच्छे से करता था, ठीक ढंग से करता था और आराम से करता था। ग, लड़के ने दुकान किराए पर क्यों ली? लड़के के पास जगह की कमी थी, इस कारण कई बार उसे लोगों को लौटाना पड़ता था, अतः उसने दोस्त की सलाह पर दुकान किराए पर ले ली। ठीक है, उसके पास वो जगह जो थी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे वो दुकान लगाता था, तो वो कम पड़ती थी वो जगह, इसलिए उसने दुकान किराए पर ले ली थी। घ, बाटा के जूते प्रसिद्ध क्यों हो गए? थॉमस बाटा की लगन, ईमानदारी और लगन के कारण जूतों की गुणवत्ता बढ़ती गई, इस कारण उसके जूते प्रसिद्ध हो गए। ओके, थर्ड, सही उत्तर चुने क। जूते का तला मजबूत कैसे बनता है? जूते जब बनाते हैं तो उसका जो तला रहता है नीचे का भाग, वो कैसे मजबूत बनता है? सूख कर चिपकने से, बल प्रयोग करने से, जल्दबाजी करने से या कील ठोकने से? कैसे मजबूत बनता है? सूख कर चिपकने से। ख, थॉमस बाटा का जन्म कब हुआ? 1924 में, 1876 में, 1914 में या 1940 में? कब हुआ था? 1876 में। ओके, फोर्थ, गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसे पढ़ना है बहुत अच्छे से, इससे कुछ फिर प्रश्न पूछें आपसे, ठीक है, उसके आपको उत्तर देना है। दिल्ली में भाई धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा मंदिर है जो कमल के आकार का बना है। यह लोटस टेम्पल या बहाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें कहीं कोई मूर्ति नहीं है, हर धर्म के लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। इसके हॉल में एक साथ 1300 लोग बैठ सकते हैं। इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं और चारों ओर 9 झीलें हैं, जिससे मंदिर के अंदर ठंडक बनी रहती है। शाम के समय जब यहाँ रंग बिरंगे रोशनी की जाती है तो यह मंदिर और भी सुंदर लगता है। ये हमें लोटस टेम्पल के बारे में बताया गया है। लोटस टेम्पल दिल्ली में है, ठीक है, जो भाई धर्म के लोगों द्वारा बनाया गया है। ये कमल के आकार का बना हुआ है, ठीक है, इसको भाई मंदिर भी कहा जाता है। इसमें कोई मूर्ति नहीं है, हर धर्म के लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। और इसमें क्या है, आसपास इस मंदिर में 9 दरवाजे हैं और चारों ओर 9 झीलें हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर ठंडा रहता है, ठीक है, और शाम के समय वहाँ पे रंग बिरंगी रोशनी की जाती है, जिससे ये मंदिर जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं इसके। यह मंदिर किसने बनाया? यह मंदिर भाई धर्म के लोगों ने बनवाया। यह मंदिर किन नामों से जाना जाता है? यह मंदिर लोटस टेम्पल और बाही मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का आकार कैसा है? इस मंदिर का आकार कमल जैसा है, ठीक है, कमल के फूल जैसा बना हुआ है।
इसमें एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें एक साथ 1300 लोग बैठ सकते हैं। रात को यह ज़्यादा सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि रात को यहाँ रंग बिरंगी रोशनी के कारण ये जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, यह लगता है। ओके, मूल्य परक प्रश्न। बड़ों की सीख से आपको जीवन में क्या लाभ मिलता है? सोचे तथा कक्षा में चर्चा करें। बड़ों की सीख से आपको जीवन में क्या लाभ मिलता है, या आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन से चर्चा कीजिएगा। ओके, थैंक यू।